Hello, what's up guys? My name is Vinod Badu Thapa and today in this video we will see how to get most out of any courses. जी हाँ guys, तो आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर उनके लिए जो guys videos regular देख रहे लेकिन फिर भी खुद से कुछ कर नहीं पा रहे। जब भी खुद से प्रैक्टिस करने जाते उनको ऐसा फील आता है, यार मैंने तो इसको समझ लिया लेकिन मैं खुद से क्यों ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहा या इस प्रोजेक्ट को मैं क्रिएट नहीं कर पा रहा। दो वो बेसिक प्रोजेक्ट होंगे बट फिर भी वो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे क्योंकि कहीं ना कहीं वो ज्यादा सोचेंगे, ओवर थिंक करेंगे, इसको काश मैं अगर ऐसा करूं, काश मैं वैसा करूं, लेकिन वो करेंगे ही नहीं, इंप्लीमेंट ही नहीं करने वाले। एंड दूसरा रीजन मैं आपको बताता हूं, दूसरा रीजन ये वीडियो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के टाइम में अगर आप देखोगे तो गाइस मोस्टली इन यूट्यूब हम गाइस 10 घंटे की वीडियो, 12 घंटे की वीडियो, 20 घंटे की वीडियो, 28 घंटे की वीडियो अपलोड कर रहे हैं। एंड ये हम क्लेम करते हैं कि अगर आप इस कोर्स को कंप्लीट करते हो तब आप अपने आप को एक जावास्क्रिप्ट डेवलपर या लेट्स से एक पाइथन डेवलपर या लेट्स से एक फ्रंट एंड डेवलपर कह सकते हो, आपको जॉब पाने से कोई नहीं रोक सकता, आप इतने की सैलरी पैकेज ग्रैब कर सकते हो। तो गाइस कहीं ना कहीं ये सही भी है बट उसको पाने के पीछे मेहनत भी उतना ही ज्यादा है। कोई मतलब एक वीडियो देख के अगर इतना इजी हो जाता चीजों को पाना तो मतलब मजा आ जाता ना, फिर पूरी दुनिया कर लेती हो तो। सो, मैं आपको रियलिटी बताता हूं कि कैसे आप जो भी हम वीडियो में क्लेम करते हैं उसको एटलीस्ट आप अचीव कर सकते हो, ठीक है, कैसे बेसिकली आप अचीव कर सकते हो उसके ऊपर आज का वीडियो है। लेट्स इमेजिन अभी रिसेंटली मैंने जावास्क्रिप्ट के ऊपर 12 घंटे की वीडियो अपलोड की है जो कि सिर्फ पार्ट वन है, पूरा कंप्लीट भी नहीं, सिर्फ पार्ट वन है, पार्ट टू बहुत जल्द आने वाला। तो अब आप में से बहुत सभी लोग ने क्या किया होगा गाइस, 12 घंटे की वीडियो को पहले पूरा कंप्लीट देखा होगा ये सोच के कि मैं पहले कंप्लीट देख लेता हूं, उसके बाद मैं वापस जो भी प्रैक्टिसेस होंगे या जो भी चैलेंजेस मैंने दिए होंगे या जो भी इंटरव्यू क्वेश्चंस होंगे उसको मैं खुद से सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो अब इस जर्नी को आप ध्यान से देखिएगा, आप क्या करोगे, मेरे जावास्क्रिप्ट की वीडियोस को ओपन करोगे, फ्रॉम जीरो टू पूरा 12 घंटा आपने कंप्लीट कर ली। एंड मैंने इस तरीके से एक्सप्लेन किया, चाहे बाकी जो भी क्रिएटर हो सब हम इस तरीके से एक्सप्लेन करते कि आपको ये फीलिंग आएगी कि वाह मुझे तो जावास्क्रिप्ट आ गया, अब मैं अपने आपको जावास्क्रिप्ट डेवलपर बोल सकता हूं, तो ये फीलिंग आपको अंदर से आएगी एंड आप बहुत खुश हो जाओगे। बट द मोमेंट 12 घंटा कंप्लीट करने के बाद ऑब्वियसली आप नेक्स्ट डे तो आने से रहे, एक दो दिन का गैप लोगे, फिर वापस जब आप वो प्रॉब्लम सॉल्व करने आओगे डे वन वाला जो भी था शुरू का एक घंटे में मैंने जो आपको पहला टॉपिक पढ़ा है उसमें जो चैलेंज होंगे या उसमें जो थोड़े ट्रिकी इंटरव्यू क्वेश्चंस होंगे ना वो आप नहीं कर पाओगे। तो एटलीस्ट जो 90% लोग होंगे ना गाइस वो प्रॉब्लम या जो ट्रिकी प्रॉब्लम्स थे उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि पहले आपने सिर्फ उसको देखा, आपने खुद से कभी ट्राई ही नहीं किया था कि अगर मैं ये कोड लिखता हूं तो क्या हो रहा था, समझ रहे हो। इसलिए क्या होगा, अब आप फिर से वो जो पर्टिकुलर सेक्शन जिसको आपने स्टार्टिंग में पूरा देखा था फिर से आप उसको पूरा ही देखोगे, नो मैटर व्हाट आपको फिर से पूरा देखना ही पड़ेगा एंड ये चलता ही जाएगा ऐसा लूप। एंड ये ट्यूटोरियल हेल्प का कॉन्सेप्ट आ जाता है जो हम बाद में कभी कवर करेंगे। सो गाइस इस तरीके की जो प्रॉब्लम है आप इसमें ना फंसो, इसलिए आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड एक और रीजन ये भी था कि गाइस हमारी मेमोरी जो है ना वो इस तरीके से काम नहीं करता, हमारा जो ब्रेन है वो इस तरीके से काम नहीं करता कि आप एक पूरा लॉन्ग फॉर्म 10 घंटे 12 घंटे की वीडियो देख लो फीलिंग आ जाएगी कि मुझे तो आ गया जावास्क्रिप्ट, आई एम अ जावास्क्रिप्ट डेवलपर, बट जब आप खुद से करने जाओगे नहीं हो पाएगा क्योंकि कोई भी चीज इतनी इजीली नहीं मिलती है, पहली बात तो सिंपल। चलिए ठीक है गाइस, अब हम बिना किसी देरी के हम इसको कैसे टैकल कर सकते हैं, कैसे हम जो भी वीडियो में क्लेम करते हैं, स्पेशली मैंने जो कहा है कि एज अ बिगिनर आपको जॉब जरूर मिलेगा या आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो मेरा जावास्क्रिप्ट कोर्स देखने के बाद, या आप खुद से ट्यूशन पढ़ा सकते हो दूसरे बच्चे को, इतना तो काबिल आप जरूर हो जाओगे। लेकिन वो काबिल बनने के लिए आपको कौन से स्टेप्स फॉलो करने वो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है कोड अलोंग, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये, तो जब भी कोई भी टॉपिक अगर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं विद एग्जांपल्स तो आपको उसको अच्छे से समझना है, एंड देन जब आता है चैलेंज वाला टाइम या इंटरव्यू क्वेश्चंस तो मैंने क्लियरली बोलता हूं पॉज द वीडियो एंड ट्राई योरसेल्फ, तो उस समय आपको वीडियो पॉज करना है एंड खुद से ट्राई करना है तभी आप कुछ कर पाओगे। तो पूरा वीडियो एक साथ नहीं देखना, एक पर्टिकुलर सेक्शन में भी आपको देखना है कि चलो ठीक है मैं पहले ये पर्टिकुलर एक सेक्शन देख लेता हूँ 20 मिनट का, उसके बाद आपको उसका एक नोट्स बनाना है, आपने क्या क्या सीखा अपने हिसाब से आपको लिखना है, ठीक है, एंड देन जो चैलेंजेस जो इंटरव्यू क्वेश्चंस मैं आपको देता हूं आपको खुद से सॉल्व करना है। बस यही एक सिंपल स्टेप है, सबसे पहला कोड अलोंग कि आपको मेरे साथ कोड करना है। इट्स लाइक आप ये समझो कि आपको एक दोस्त एक्सप्लेन कर रहा है एंड जब भी वो कुछ आपको एक्सप्लेन करता है आपको नोट्स करना है, स्कूल में जैसे टीचर पढ़ाते तो आप कैसे नोट्स बनाते हो ना अपने लिए, सेम यूट्यूब को भी आपको उसी तरीके से लेना होगा। तो एक ही बार पूरा वीडियो नहीं देखना है, जो मैं आपको बता रहा हूं जो मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूं आपको मेरे साथ सॉल्व करना होगा, सिंपल पहला स्टेप। सेकंड स्टेप है, मैं इसको यूट्यूब में ध्यान में रखते हुए बता रहा हूं, एंड दैट इज यूज टाइमलाइन। तो गाइस यूट्यूब का एक बहुत ऑसम फीचर है, दैट इज योर चैप्टर्स या टाइमलाइन।
क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। लेट्स से वी हैव दिस एटॉमिक हैबिट्स बुक, एक सिंपल है। अगर आप बुक में जाते हो, बेसिकली कोई भी इस तरीके से बुक्स में जाते हो, तो आपको कंटेंट्स मिलते हैं, ठीक है। आप देख सकते हो वी हैव अ कंटेंट्स, ठीक है। कंटेंट्स में भी वी हैव अ चैप्टर्स, एंड देन आप देख सकते हो यहाँ पे वी हैव दिस पर्टिकुलर, आप देख पा रहे हो ना यहाँ पे, देखिए पर्टिकुलर चैप्टर्स के भी अपने अपने टॉपिक्स है। पहला चैप्टर्स के अंदर 4 पॉइंट्स, दूसरे चैप्टर्स के अंदर फिर 4 पॉइंट्स, तो पॉइंट्स बेसिकली टॉपिक्स। तो ये जो चैप्टर्स है, इससे क्या फायदा होता है, इससे आपको ये पता चलता है इतनी मोटी बुक में, समझ रहे हो, इतने मोटे बुक्स में किस पर्टिकुलर पेज पे कौन से टॉपिक्स पढ़ाया जा रहा है, या मतलब बेसिकली जिसके बारे में एक्सप्लेन किया जा रहा है। तो आप खुद देख सकते हो हमारे टाइमलाइन पे। तो इसका फायदा ये है कि लेट से आप अगर एक बिगिनर हो, देन आई हाईली रिकमेंड टू स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, एंड वंस जब आप उसको कंप्लीट कर लेते हो, नेक्स्ट टाइम जब आप आते हो सिर्फ रिविजन करने के लिए या जस्ट प्रैक्टिस करने के लिए, तब आप उस चैप्टर्स की मदद से, लेट से अब आपको एरे में जो मैंने इंटरव्यू क्वेश्चंस रखे थे, आपको पता चला यार मैप फिल्टर रिड्यूस मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड इंटरव्यू में ये पूछते ही पूछते, तब आपको अगर रिविजन करना, तो आप चैप्टर्स की मदद से एरे वाले टॉपिक्स में आके सिंपल उसको चेकआउट कर सकते हो। क्योंकि अगर टाइमलाइन नहीं होगा देन आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, इतने 12 घंटा में कहां मैंने पढ़ा होगा, बट विद द हेल्प ऑफ चैप्टर्स अब आपको मालूम है इस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में मैंने यहां पे एरे एक्सप्लेन किए, आप डायरेक्टली वहां पे आके उसका यूज कर सकते हो। देन गाइस थर्ड पॉइंट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रैक्टिस। इसका सिंपल मतलब मैं आपको बताता हूं, इसका सिंपल मतलब है कि कोई भी टॉपिक्स में अगर आपको पढ़ा रहा हूं, एंड देन जब उसमें चैलेंजेस या इंटरव्यू क्वेश्चंस आता है, तब आपको मेरे सॉल्यूशंस को देखने से पहले आपको खुद उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी होगी। दिस इज इट, यही है प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रैक्टिस। आपको ये एक हैबिट बिठाना पड़ेगा कि कुछ भी क्वेश्चन अगर आता है, तो आप पहले उसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि हम क्वेश्चन बेसिकली कोई भी यूट्यूबर या कोई भी अगर हम कोर्स बना रहे, एंड अगर हम इंटरव्यू क्वेश्चंस बोलते हैं, तो ऑब्वियस है कि हमने पहले उसके बारे में सब एक्सप्लेन कर दिया होगा, आपको एग्जांपल्स भी बता दिए होंगे, तब जाके वो इंटरव्यू क्वेश्चंस आ रहा है वहां पे। तो आपको खुद से देखना कि आपको कितना समझा जो भी हमने बताया, एंड उसके बेस पे आप उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को कैसे टैकल कर रहे हो। इससे क्या होगा, आपकी जो थिंकिंग है, आपकी जो ब्रेन है, वो और एक्टिव हो जाएगी। अच्छा ये मेथड यूज करता तो ये होता है, अगर ये यूज नहीं करता तो अच्छा ऐसा होता है। तो वो ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप उसको सॉल्व करो जरूरी नहीं है, आउटपुट आना चाहिए जरूरी नहीं है, जरूरी है तो आप उसको सॉल्व करने की एक हैबिट बना लो, जिससे आपको एटलीस्ट 100% ना से आप एटलीस्ट 80% 60% तक पहुंच जाओ, जो भी उसका एक्चुअल सोल्यूशन था वहां तक, ठीक है। एंड देन गाइस फोर्थ पॉइंट इज प्ले एंड देन लर्न। इसका सिंपल मतलब ये है, कोई भी कोर्स अगर आप देख रहे हो, तो उसमें जो बताया गया उसको ब्लाइंडली आपको फॉलो नहीं करना है, आपको अपने स्टाइल से उसको लिखना है। जो एग्जाम्पल्स हम बताते हैं, पहले आप उसको समझना, एंड देन उसके बाद आपको उसके साथ खेलना होगा, ठीक है। इस तरीके से अगर करते हैं तो ये आउटपुट आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको अपने माइंड में एक्स्ट्रा क्रिएटिविटी निकालना पड़ेगा। क्यों ना इसको अगर मैं ऐसे करूं तो भी तो आउटपुट आ ही रहा है, क्यों ना इसको चलो मैं एक और तरीके से करता हूं फिर भी आउटपुट आ रहा है। तो आपको खेलना पड़ेगा उस बेसिकली एग्जाम्पल्स, वो इंटरव्यू क्वेश्चंस या चैलेंजेस के साथ, एंड कोशिश करना है कि सेम प्रॉब्लम को आप 2-3 तरीके से सॉल्व कर सको। क्योंकि भाई एक ही सेम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बहुत तरीके होते हैं, एटलीस्ट अगर आप सेम प्रॉब्लम को 1 या 2 तरीके से सॉल्व करना सीख जाते हो, तो मतलब मजा आ जाएगा आपको। हाँ ये एकदम इनिशियल पीरियड में नहीं होना होने वाला, मे बी ऐसा हो सकता है कि आप एक भी प्रॉब्लम सॉल्व ही ना कर पाओ, बट एटलीस्ट आपको ये हैबिट बिठाना है इससे प्रीवियस पॉइंट एंड अभी के पॉइंट में। एंड आपको अपने कोड को चेंज करने से डरना नहीं है, आपको उल्टा उसको चेंज करके देखना है क्या हो सकता है। प्ले एंड देन लर्न, आपको खेलते खेलते सीखना है। एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, कुछ भी कोर्स अगर आप देख रहे हो, बेसिकली कोई भी कोर्स अगर आप देख रहे हो, देन दिल में आपको खुशी होनी चाहिए, एंड आपको ना मतलब एक्साइटमेंट बना के रखना है, यू नो, मतलब इंजॉय करना है। वाह यार अगर मैंने ये सीख लिया तो मैं और एक स्टेप लाइक मैं लेवल अप कर लूंगा अपने आप को, ताकि मेरे आज जो ड्रीम जॉब है या जो भी मैं चाहता हूँ बनना उसको मैं हासिल कर सकूँ। तो आपको इंजॉय करना है, अपने आपको लाइक मोटिवेटेड रखना है। एंड देन गाइस नेक्स्ट पॉइंट इज फाइंड हेल्प। ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि मैंने अपने जावास्क्रिप्ट कोर्स में जिस तरीके से एक्सप्लेन की है 99% लोगों को समझ गया, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की, बट हो सकता है 1-2% ऐसे निकलेंगे जिनको ना समझे। तो गाइस उस केस में आप क्या कर सकते हो, उस केस में सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, कमेंट सेक्शन जो होता है यूट्यूब में, वहां पे आप कमेंट करके देख सकते हो। देन हर एक बेसिकली आप क्रिएटर, बेसिकली मेरा अपना खुद का डिस्कॉर्ड सर्वर है, मैं उसका लिंक देता हूँ, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे क्वेश्चन पूछ सकते हो। बाकी जो क्रिएटर होंगे उनके भी अपने कुछ ना कुछ फॉर्म तो होगा ना, जहां पे अगर आप कुछ लिखो तो वो आपको रेस्पॉन्स दे, है ना, तो वो एक चीज आप कर सकते हो। देन सेकेंड,
वीडियो जो मैंने जावास्क्रिप्ट के ऊपर अपलोड की है, इससे पहले भी मैंने 16 घंटे की एक और वीडियो अपलोड की थी, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो। बेसिकली सेम क्रिएटर का आप वापस से देख सकते हो कि वो जो पर्टिकुलर टॉपिक है जो आपको नहीं समझ रहा, आप उसको वापस सर्च कीजिए, लेट्स से थापा टेक्निकल एरे फिल्टर मेथड या थापा टेक्निकल रिड्यूस मेथड, समझ रहे हो, या थापा टेक्निकल व्हाट इज डॉम, तो उस तरीके से आप एक बार सर्च कर सकते हो। क्योंकि जिस क्रिएटर का वीडियो आप देख रहे हो, मे बी उसका बोलने का तरीका या उसका एक्सप्लेन करने का तरीका आपको अच्छा लगता हो बेटर बाकी के मुकाबले, तो कोशिश कीजिए कि कुछ टॉपिक अगर ना समझ रहा हो तो उस पर्टिकुलर टॉपिक्स को उस क्रिएटर के नाम के बाद आप सर्च कीजिए। अगर उसने वीडियो बनाया तो आप उसको एक बार रिफर कर सकते हो। हाँ, अगर वो टॉपिक उस क्रिएटर के प्लेलिस्ट में या चैनल में नहीं मिलता है, देन बाकी और भी तो यूट्यूबर्स हैं, आप उनकी वीडियोस देख सकते हो, और ऑब्वियसली उन्होंने भी बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया होगा, तो आप उनका चेकआउट कीजिए। अगर वहां से भी नहीं होता तो गाइस ऑफिशियल जो डॉक्यूमेंटेशन है, अगर मैं जावास्क्रिप्ट की बात करूँ तो जावास्क्रिप्ट के भी बहुत सारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है, यू नो वी हैव लाइक MDN, वी हैव W3 स्कूल्स, ऐसे बहुत सारे, आप वहां पे जाके चेकआउट कर सकते हो। आज के टाइम में तो वी हैव अ ChatGPT, Gemini, ऐसे भरे पड़े, आप वहां पे डायरेक्टली जाके पूछ सकते हो। तो कहीं पे भी अगर आप अटकते हो तो ऑनलाइन फॉर्म बहुत है, रेडिट क्वेरा, मतलब भरे पड़े हैं, ऑप्शंस बहुत है, आपको बस पीछे नहीं हटना है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी तो आपको करनी पड़ेगी। एंड गाइस इसी में मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहूंगा, एंड दैट इज कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या करते हैं, जो भी क्रिएटर है वो अगर कुछ भी प्रॉब्लम आपको दिखाई देता है वीडियो में, कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम हो गया या कुछ अपडेट करना रहा, तो बेसिकली उनका डिस्क्रिप्शन एंड देन जो पिन कमेंट होता है ना, उसको ऑलवेज आप एक चेक कीजिएगा। ये भी बहुत बेस्ट है कि शायद उन्होंने पिन कमेंट या डिस्क्रिप्शन में कुछ ऐसे लिंक्स दिए हो जहां से आप उसको और बेटर तरीके से समझ सकते हो। एंड देन गाइस नेक्स्ट पॉइंट इज थिंक बैक एंड देन प्रैक्टिस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप कुछ भी आप कर लेते हो, इवन आपने प्रैक्टिस भी कर ली, बट आफ्टर 2 वीक्स या आफ्टर 1 वीक्स आप जब वापस आके उसको करना चाहोगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आप भूल चुके होंगे। इसलिए थिंक बैक एंड देन प्रैक्टिस, इसका मतलब है एक बार आप कोई भी चीज पढ़ लेते हो एटलीस्ट आफ्टर 1 वीक फिर से आप विजिट कीजिए, फिर से आप वीडियो को थोड़ा देखिए, कोशिश कीजिए जो भी चैलेंजेस था उसको फिर से करने के लिए कि दिस टाइम आप खुद से कर पा रहे हो या नहीं। तो बेसिकली ना आपको प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा, बचपन से हम चीजें पढ़ते आ रहे ABCD उसी के थ्रू करते जा रहे, उसी तरीके से भाई ये भी तो एक लैंग्वेज है यार, आदमी की जिंदगी चेंज हो जाती है एक लैंग्वेज में, अच्छी कंपनी में जॉब मिलने से तो वो इतना इजी नहीं होता ना। तो उसी तरीके से सिर्फ एक बार वीडियो देख के एक बार प्रैक्टिस करने से नहीं होता, आपको इसको प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा, एंड अलग अलग जगहों से भी आपको डिफरेंट डिफरेंट चैलेंजेस इंटरव्यू क्वेश्चंस निकाल के प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा, तो ही ये कुछ होने वाला है। एंड देन लास्ट वन इज सेट टारगेट्स, इसका सिंपल मतलब ये है, जैसे 12 घंटे की मैंने जो वीडियो बनाई है आपको बहुत जोश आया होगा, अब तो मैं इसको देखूंगा, अब मैं सीखूंगा एंड मेरे को बनना है, लेकिन क्या होगा, आप 1 घंटा देखोगे, 2 घंटा देखोगे, टाइम टाइम फेस खत्म, आपको हो गया मेरा मन भर गया। मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि आप कोई भी कोर्स उठाओगे आप कंप्लीट ही नहीं करोगे, क्योंकि जो एक एक्साइटमेंट आपको फील होना चाहिए यू नो वो स्टार्टिंग में ही होता है, उसका धीरे धीरे आपको मतलब जब आप एक्चुअल में देखोगे इतनी सारी चीजों को मैंने एक्सप्लेन की, इतनी ट्रिकी चीजें हैं, कहीं ना कहीं आपका मन हट जाएगा, नहीं यार ये मेरे बस की बात नहीं, तो वो कभी नहीं होने देना है आपको। अगर ऐसा फीलिंग अगर आपको आता है थोड़ी देर के लिए आप उठो, बाहर जाओ, सोचो अपने सपने के बारे में एक बार, नहीं यार मैंने अगर अभी फिर से क्विट कर दी तो मैं फिर जहां हूं वहीं रहूंगा, मुझे कुछ बनना है, तो आपको एक टारगेट सेट करना है, ठीक है 12 घंटे की मेरी वीडियो है, आप टारगेट्स बनाओ डिफरेंट डिफरेंट आपके अनुसार, आप बना सकते हो लेट से कि यहां पे चलो ठीक है मैं काम करता हूं, अब लिखना इस तरीके से 12 घंटे की वीडियो अगर रोज मैं 2 घंटे भी देखता हूं तो 6 दिन में कंप्लीट, रोज अगर मैं 1 घंटा भी देखता हूं तो 12 दिन में कंप्लीट, रोज अगर मैं 2 दिन 2 घंटा देखूंगा और 1 घंटा प्रैक्टिस करूंगा जो कि मैं रिकमेंड करता हूं आपको, तो फिर भी आपका 6 दिन में वो कंप्लीट हो रहा है। यार गाइस आप 1 हफ्ते में आपका जावास्क्रिप्ट कंप्लीट हो रहा है, आज के टाइम में एक जावास्क्रिप्ट डेवलपर लाखों में कमाते हैं, समझ रहे हो, तो वो जो पैकेज पाने के लिए सिर्फ 6 दिन, समझ रहे हो, एक जॉब पाने के लिए हम स्कूल में फर्स्ट क्लास से लेके 10th 12th बैचलर मास्टर्स करते तब जाके एक जॉब मिलता है ना, तो वही अगर आप जावास्क्रिप्ट डेवलपर बनना चाहते हो और सिर्फ 6 दिन पढ़ के आप अगर डेवलपर बन गए तो यार इतना ईजी तो नहीं होना चाहिए लाइफ, राइट, तो इसलिए आपको प्रैक्टिस करते रहना है, टारगेट सेट्स करने हैं एंड वो टारगेट आपको कंप्लीट करना ही पड़ेगा, ठीक है 1 दिन डिले हो गया नेक्स्ट डे वापस उसको कंप्लीट कर लो, तो सेट टारगेट्स। सो या गाइस दिस इज इट, ये थे कुछ पॉइंट्स, आई होप आपको वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा, तो आपको कौन सा पॉइंट्स बेस्ट लगा, सो गाइस अगर आपका भी कोई सजेशन हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड गाइस एट द एंड बस इतना कहना चाहूंगा ऑल द बेस्ट, घबराना बिल्कुल नहीं है, आराम से प्रैक्टिस कीजिए एंड अपना बेस्ट दीजिएगा। सो गाइस मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गाइस थैंक यू सो मच, टेक केयर।